ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା ନିମ୍ନଚାପରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ବୌଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କାଲିଠୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ प्रबल वर्षा बा। एपि बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापडा जगतसिंहपुर कटक नयाँ खोर्धा पुी गजपति केन्दुझर मयूरभञ्च कन्धमाल राईगडा कोरापुट ढेङ्कनाल मालकानगिरिक वज्रपत जनता वर्षापे येलो आलर्ट जारीको कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि गत चबिस घन्टा मध्य कटक र नराजाले सर्वाधिक पचास मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड 16 तारिख परठारु पागरे परिवर्तन आशिबा सहित शीत फेरिबो स्वाभाविक थारु 2 रो 3 डिग्री तापमात्रा कमीबो बोली आंचलिको पानी पगा केंद्र सूचना देछि तो नेक्स्ट so, 24 आवर्स में हमारा मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्स में हल्का से मध्यम बारिश होगा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी हेलस्टॉर्म हेवी रेनफॉल भी एक दो जगह मे हो सकता है थंडास्टाम लाइटनिंग का साथ हेल और हेवी रेनफॉल का ज्यादा पॉसिबिलिटी जो डिस्ट्रिक्ट में है कालाहांडी कंदामाल रायगढ़ गजपति गंजाम बोध उंगुल नोयागढ़ फिर कल भी हमारा रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा और कोस्टल ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट सबके उंजर मयूरभ धैनखन रायगढ़ कोरापूट मलकानगरी डिस्ट्रिक्ट में थंडास्टाम लाइटनिंग एक्टिविटी होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है फिफ्टींथ से रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा बट हल्का से बारिश थोड़ा सा कुछ रीजन में हो सकता है फिर सिक्सटींथ एंड सेवेंटीन मोस्टली ड्राईव देरी रहेगा